आपको बताता चला कि दबंग कर रहे हैं सरकारी जमीन पर और तालाब पर कब्जा। मामला है फतेहगंज पश्चिमी गांव रुकमपुर तहसील सदर के क्षेत्रवासियों ने आज जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र लिखकर रुकमपुर के दबंग लोग सरकारी जमीन तालाब पर कब्जा कर रहे हैं, संपत्ति करोड़ों रुपए की संपत्ति लोग को आज ज्ञापन दिया। वहीं आपको बताते चले कि मंदिर में पूजा करने गई महिला के साथ हुई छेड़छाड़। बरेली मंदिर में पूजा करने गई महिला को गलत नियत से पकड़ लिया, इसके अश्लील हरकतें करने पर आरोप लगाते हुए एसएसपी ऑफिस में उसने शिकायत की व अपनी मांग को लेकर एसएसपी से संज्ञान दिया। वहीं आपको बताते चले कि योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने पर सवा क्विंटल का लड्डू बंटवाया। योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने पर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। बरेली में इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव राणा के संजय नगर स्थित कार्यालय में आशीष एंटरप्राइजेस सवा क्विंटल लड्डू को बंटवाया गया। इसको लेकर सभी में खुशी की लहर दिखी। वहीं आपको बताते चले कि नगर निगम ने बनखंडीनाथ मंदिर के पास से हटाया अतिक्रमण। बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र में बनखंडीनाथ मंदिर के पास नगर निगम की जगह पर अवैध तरीके से लोगों ने दुकानें बना ली थी, जिसको लेकर नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर लिया था। नगर निगम के अधिकारी ने आज प्रवर्तन दल से उसको हटाया गया। वहीं आपको बताते चले कि योगी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के उपलक्ष्य में हिंदू युवा वाहिनी ने आतिशबाजी कर बांटी मिठाई। हिंदू युवा वाहिनी बरेली कार्यकर्ताओं द्वारा पटेल चौक बरेली में हिंदू युवा वाहिनी के मुख्य संरक्षक योगी आदित्यनाथ महाराज को पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रूप में शपथ लेने पर उनको हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं ने आज खुशी मनाई व मिठाई बांटी। वहीं आपको बताते चले कि सगी माँ से सौतेली माँ ने 5 साल की बच्ची को जमकर डंडों से पीटा। मामला है थाना मीरगंज के थाना, 5 साल की बच्ची के साथ सौतेले भाई व माँ द्वारा अत्याचार करने पर मामला सामने आया, जहां 5 साल की बच्ची को जान से मारने की नियत से डंडों से बेरहम से पीटा गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने गंभीर घायल बच्ची को जिला अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया। मीरगंज में मोहम्मद गज की रहने वाली 10 साल पहले राधा की शादी हुई थी, जिसको लेके बेटी रखी गई 3 साल पहले मारपीट करने लगा। वहीं आपको बताते चले कि 8 टप्पेबाज चोरों के खिलाफ पुलिस ने किया गरफ्तार। मामला किला थाना पुलिस के 8 लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि चोरी किए गए सोने के चांदी जेवरात तमंचे सहित पकड़े गए ये लोग 3-व्हीलर बस से बैठकर करते थे ब्लड चेक। कैंची से यात्रियों को जेब काट कर नकदी चुरा लिया करते थे, रास्ते में उतर जाते थे। सात चोर काफी समय सक्रिय थे। वहीं आपको बताते चलें कि प्लाट की मांग पूरी नहीं करने पर बहू को घर से निकाला। सोनम सहगुल पुत्री प्रमोद नैयल कृपाल कुंज की प्रेमनगर की रहने वाली है। 29 जून को आशुतोष कुमार सहगल से पीलीभीत के रहने वाली शादी हुई थी, जहां शादी हुई थी उनके पिता सामर्थ ने दान दहेज दिया। सोनम शादी कर ससुराल पहुंची तो मारपीट होने लगी। वहीं आपको बताते चले कि युवक ने घर में चोरी की और बेटी के साथ की छेड़छाड़। थाना इज्जत नगर मामला ग्राम नगरिया कला की रहने वाली महिला ने एसएसपी से शिकायत की और जहां 21 मार्च को लगभग अपने घर में सोई हुई थी नशेड़ी असिफ ने भूटानी छत के रास्ते से घर में घुस आया, वहीं छेड़छाड़ करने लगा।